हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, ये आपका मोशन एंड टाइम वाला चैप्टर चल रहा है, और इससे पहले की वीडियो हमने डिस्टेंस टाइम का जो फॉर्मूला था वो हमने देखा था, स्पीड निकालने का। ओके, तो आज हम देखते हैं स्पीड को मेजर करने के जो यूनिट्स हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और क्या क्या उसके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, चलिए। द यूनिट ऑफ स्पीड डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड द यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी यूनिट का क्या मतलब है बच्चों, पहले तो मैं आपको भी ये बता देता हूँ। देखो, हर चीज़ को मेज़र करने का एक तरीका होता है कि उसको किस में आपको मेज़र करना है। जैसे अगर मैं आपको बात करूँ, मैं आपसे आप पूछ रहा हूँ आपका वज़न क्या है, आपका वेट क्या है, तो आप बोलोगे सर 50 किलोग्राम या 52 किलोग्राम। किलोग्राम मतलब व्हाट, केजी। ओके, तो वेट को हम किस में ना किस में मेज़र कर रहे हैं, किलोग्राम में कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो आप बोलोगे सर 2 आवर्स या 3 आवर्स या 4 आवर्स, वॉट एवर जो भी आप पढ़ते हो। तो आप क्या बोल रहे हो, आवर्स में बोल रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही स्पीड जो है उसका भी एक यूनिट होता है कि वो किस में ली जा रही है। ठीक है, तो यूनिट अगर हमें निकालना है स्पीड का, तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस एंड टाइम। क्योंकि हमारा जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता था वो था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर डिस्टेंस है और टाइम है, दो चीज़ें हैं, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस को मेज़र हम किस में करते हैं, या तो किलोमीटर में करते हैं या मीटर में करते हैं, ठीक है, या सेंटीमीटर में करते हैं, है ना। और टाइम को किस में मेज़र करते हैं हम, टाइम को मेज़र करते हैं हम आवर्स में या मिनट्स में या सेकंड्स में। तो बस इसी इन्हीं दोनों से हमारा जो स्पीड का जो यूनिट है वो निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो देखो बच्चों, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था इसलिए मैंने पॉज कर दिया था। देखो, द स्टैंडर्ड यूनिट, तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है, जो सब जगह चलता है, जो जनरली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, वो है मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अगर डिस्टेंस को हम मीटर में लें और टाइम को सेकंड में लें, तो हमारा यूनिट निकलेगा मीटर पर सेकंड। ये जो स्लैश लगा हुआ है इसको कहते हैं पर, इसका मतलब मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिख रहा है मीटर पर सेकंड, शॉर्ट में हम इसको मीटर पर सेकंड, और अगर छोटे शॉर्ट्स में लिखना है तो m4 मीटर और s4 सेकंड। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं। तो ये तो रहा स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। अच्छा, एनोदर इज यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर मिनट। दूसरा होता है मीटर पर मिनट। अगर हम डिस्टेंस को मीटर में लें और टाइम को मिनट में लें, तो बनेगा मीटर पर मिनट। ओके, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं, तो उनको वेरी स्मॉल स्पीड, जो स्मॉल स्पीड्स होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लें और टाइम को सेकंड में लें, तो बनेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, यानी कि cm/s। ओके, और अगर छोटे यूनिट में लेना है, तो डिस्टेंस को आप mm में ले लीजिए और टाइम को सेकंड में ले लीजिए, तो बनेगा mm/s। ठीक है, अगर हम लार्ज यूनिट्स की बात करते हैं बच्चों, तो लार्ज स्पीड यूनिट्स, जैसे जो लार्ज स्पीड्स होती हैं उनको हम किस में लेते हैं, किलोमीटर पर आवर, जनरली व्हीकल्स वगैरह की। ठीक है, तो किस में होता है वो, किलोमीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो हम कहते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये होती हैं वैल्यू जिनको आप जनरली यूज़ करते हो स्पीड को बताने के लिए। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, मेन मेन पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा है बच्चों यहाँ पे टॉपिक स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। अब स्पीडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने गाड़ी देखी होगी, बाइक वगैरह आपके घर पे है, मान लो फोर व्हीलर है, तो उसमें भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस तरह का एक मीटर होता है ना, जहाँ पे सुई लगी रहती है, जहाँ पे ये क्या बताता है, स्पीड बताता है ना, 60, ठीक है, 80, 100 जो भी है, ठीक है, ये स्पीड बताता है। तो जो स्पीड बताता है उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। और यहाँ आपने देखा होगा वहाँ पे किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिखा हुआ आता है किलोमीटर, क्या लिख रहा है, देखो किलोमीटर है ना।
और ये लिख रहा है किलोमीटर पर आवर, ये तो है इसके लिए, ठीक है स्पीड के लिए, और ये है इसके लिए। तो इसमें जो लिख रहा है 45,236, ये है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर मतलब जो डिस्टेंस बताता है, क्या बताता है डिस्टेंस, ठीक है। और स्पीडोमीटर क्या बताता है स्पीड, जैसे इससे तो नाम से ही पता चल रहा है स्पीड बताता है, स्पीडो मतलब स्पीड, ठीक है। तो ये स्पीड बताता है, ये डिस्टेंस बताता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर क्या होता है ना। तो देखो, द पैनल और ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल्स फेसिंग द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल, इन कार बस ट्रक वगैरह जो भी होता है सामने, व्हेन वी सिट्स इन द व्हीकल इज कॉल्ड डैशबोर्ड। तो जो आप गाड़ी में बैठते हैं तो आगे क्या रहता है उस पर जो भी मीटर वगैरह लगे रहते हैं और इस सारा कुछ है ना, वो क्या होता है उसको कहते हैं डैशबोर्ड। ओके, तो डैशबोर्ड पे क्या रहता है, एक ऑडोमीटर लगा रहता है इस तरह का। एन इंस्ट्रूमेंट ऑन अ व्हीकल्स डैशबोर्ड विच इंडिकेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हेन इट इज़ रनिंग इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। जो स्पीड बताता है उसको क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं, है ना। तो जनरली किस में बताता है, ये किलोमीटर पर आवर में बता होता है, ठीक है। आगे देखो, ऑडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। ऑडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। तो अब बाकी का पढ़ लेना आप, ये चीज़ इसमें बताई गई हैं। ओके, तो आगे जो हम पढ़ेंगे बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। डिस्टेंस, ये जो स्पीड वाला फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस को तो हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिलहाल आपको जो मैंने बताया है आज, वो आपको समझ में आया है नहीं ये मुझे बताइए, एंड आई होप आपको आ गया है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, तो ये आप करेंगे, ठीक है।